हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू सी चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स। इसमें जो है सेकंड मेथड आज हम यूज करेंगे, दैट इज़ द अज्यूम्ड मीन मेथड। इसके पहले की वीडियो में मैंने डायरेक्ट मेथड आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन पे दिया गया, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम अज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में देखेंगे, कैसे इस मेथड को अप्लाई करके हम मीन फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के, हम पहले अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। चार्ट ये है, डेली वेजेस है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेंडर्स हैं। डेली वेजेस जो है 1000 टू 1500 मिल रहा है, फिर यहाँ पे 1500 टू 2000 मिल रहा है, यहाँ पे 2000 टू 2500 मिला है। इस तरीके से यहाँ पे डेली वेजेस दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेंडर्स दिया, कितने वेंडर को मिल रहा है ये वेजेस। तो यहाँ पे 15 को मिल रहा है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 35, यहाँ पे 30, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, अज्यूम्ड मीन मेथड के थ्रू हमें मीन फाइंड आउट करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन, अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करके हमें यहाँ पे मीन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दिस इज़ द क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पहले हम अपना टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। डेली वेजेस का यहाँ पे हमने एक कॉलम बना लिया, फर्स्ट कॉलम डेली वेजेस का है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने पूरा वहाँ पे डेटा जो दिया हुआ है उसे हमने ले लिया है डेली वेजेस का। यहाँ पे 1000 टू 1500, 1500 टू 2000, इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा 2500 टू 3000 तक हमने यहाँ पे कर लिया है। ओके, नेक्स्ट रेट है 1000 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 1250। तो यहाँ पे ये 1250। नेक्स्ट करेंगे तो 1500 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट वन 2000 प्लस 2500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2250। एंड लास्ट वन 2500 प्लस 3000 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2750। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने xi फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे xi फाइंड आउट करने के बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, नेक्स्ट इज द di। di कैसे फाइंड आउट करेंगे, di फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है, di इज इक्वल टू di का फॉर्मूला क्या होता है, di इज इक्वल टू xi माइनस a। नाउ व्हाट इज द a, अब यहाँ पे a क्या है, इसीलिए इस मेथड का नाम अज्यूम्ड मीन मेथड दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो है a जो यहाँ पे है, a क्या है, अज्यूम मीन। यहाँ पे एक हम यहाँ पे जो xi का कॉलम होता है यहाँ से हम एक एज्यूम मीन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट नंबर है उसे भी कर सकते हो आप, या फिर सेकंड हाईएस्ट को भी कर सकते हो, या फिर आप किसी भी नंबर को सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर को लेते हैं, सेकंड हाईएस्ट को, दैट इज़ द 2250। ओके, तो यहाँ पे ए हमने कंसिडर कर लिया, एज्यूम मीन इज इक्वल टू 2250। नाउ यहाँ पे क्या होगा, xi माइनस ए, फर्स्ट कॉलम के लिए क्या होगा, xi माइनस ए, xi क्या है 1250 माइनस ए, ए हमने क्या कंसिडर किया है 2250 इज इक्वल टू xi क्या है, यहाँ पे xi का वैल्यू हमने देखा है यहाँ पे 1250 है, माइनस ए 2250 करने के बाद में माइनस 1000। इस तरीके से यहाँ पे di xi माइनस ए करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1750 माइनस 2250 करेंगे माइनस 500 आएगा। यहाँ पे करेंगे 2250 माइनस 2250 करेंगे, जीरो आएगा। यहाँ पे भी इस तरीके से हम यहाँ पे xi माइनस di करेंगे, xi माइनस a करेंगे तो 2250 करने के बाद में यहाँ पे आंसर जो हमारा आएगा वो 500 आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे di का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है fi। fi हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये ऑलरेडी दिया होता है टेबल में, चार्ट में ये दिया होता है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नंबर ऑफ वेंडर, दैट इज द फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 15, 20, 35, 30, इस तरीके से यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है fi, इसे हमने लिख लिया है। नेक्स्ट कॉलम इज द fi इनटू di, fi इनटू di करना है अब हमें। यहाँ पे fi का वैल्यू हमारे पास है, di का वैल्यू हमारे पास है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 1000 करेंगे, 15000 माइनस 15000 क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू माइनस 1000 में है। नेक्स्ट कॉलम में माइनस 500 × 20 करने के बाद में यहाँ पे 10000, 0 × 35 0, 500 × 30 करने के बाद में 15000। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने fi into di का वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या कॉलम में फाइंड आउट करना है, समेशन ऑफ fi फाइंड आउट करना है। समेशन ऑफ fi करने के बाद में जब हम ये पूरा कॉलम ऐड करेंगे, 5 + 5 + 0 करने के बाद में यहाँ पे जो आएगा 0 आएगा, फिर अगेन 2 + 1 3 + 3 6 6 3 9
प्लस वन टेन, दैट इज यहाँ पे इस तरीके से क्या हो जाएगा 100, समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल टू 100 यहाँ पे मिल गया हमें। नेक्स्ट कॉलम इज द डी आई, समेशन ऑफ डी आई भी हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि यहाँ पे हमें फॉर्मूले में उसकी जरूरत होती है। समेशन ऑफ डी आई फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, ये पूरा जो है यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है इसे हम ऐड करेंगे। जब समेशन ऑफ डी आई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है दैट इज द 1000, वो हमें 1000 इसका यहाँ पे आंसर आता है समेशन ऑफ डी आई का। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट कॉलम इज द एफ आई डी आई, एफ आई डी आई का भी हमें समीशन करना है। समीशन करने के बाद में समीशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आएगा, -10000। जब ये पूरा ऐड करेंगे हम तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू आएगा वो -10000 आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसका भी वैल्यू निकाल लिया है। अब यहाँ पे मीन का जो फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है, एज्यूम मीन मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार है। ए क्या है, एज्यूम्ड मीन है, एंड डी बार क्या है, डी बार निकालने के लिए अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है। डी बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है हमारे पास में, -10000 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ आई दैट इज द 100, कैंसल आउट होगा, इज इक्वल टू -100। माइनस डी इज इक्वल टू क्या आ गया, डी बार इज इक्वल टू क्या आ गया, -100। डी बार इज इक्वल टू -100 यहाँ पे हमें मिल गया। अब नाउ एक्स बार इज इक्वल टू दैट इज द मीन इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, एज यू मीन 2250 हमने पहले से ही कंसिडर किया, 2250 प्लस डी बार। व्हाट इज द डी बार, दैट इज -100। यहाँ पे -100 इज इक्वल टू सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार है, ए एज यू मीन है, डी बार जो है, डी बार फाइंड आउट करने का भी अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है। डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई डी आई का वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, दैट इज द -10000 यहाँ पे रखे अपॉन -FI। व्हाट इज द समेशन ऑफ एफ आई क्या है, एफ आई का वैल्यू क्या है, 100 है। -10000 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे कैंसिल होगा डी का वैल्यू, डी बार का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ डी बार का वैल्यू हमारा -100 मिल गया। अभी ये डी बार का वैल्यू जो है ये हम कहाँ पे पुट करेंगे, ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन में, दिस इज द फर्स्ट बार का वैल्यू जो है -100 ये हम अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप करेंगे। यहाँ पे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, ए का वैल्यू क्या है 2250 हमने यहाँ पे लिया है, प्लस डी बार, डी बार का यहाँ पे क्या है -100। तो इस तरीके से 2250 -100 करने के बाद में यहाँ पे एक्चुअली माइनस नहीं, दिस इज द प्लस, बट यहाँ पे ये माइनस में है, डी बार का वैल्यू जो है वो माइनस में, इसलिए यहाँ पे हम माइनस करें। -100 इज इक्वल टू करने के बाद में यहाँ पे आंसर जो आएगा ये क्या है 2150, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो x बार इज इक्वल टू 2150, दिस इज द आंसर 2150। ओके, तो आज की वीडियो में हमने सेकेंड मेथड दैट इज द एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करके किस तरीके से मीन फाइंड आउट किया जाता है वो हमने देखा है। तो आज की वीडियो में आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।